and we use the real positive. मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल का उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्री गंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है, और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए, आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम रंगीला कॉमेडियन हैं, मिमिक्री गजब की करते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम की ही मिमिक्री करके श्याम रंगीला की खासी पहचान भी बनी है। लेकिन अब रंगीला पर मुकदमे की तैयारी हो रही है। दरअसल रंगीला ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक सटायर वीडियो बनाया। इसमें वो पीएम मोदी के ही अंदाज में बोल रहे हैं और कीमतों पर तंज कस रहे हैं। वीडियो राजस्थान में श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप पर शूट किया गया था। इधर वीडियो वायरल हुआ, उधर पंप के मालिक सुरेंद्र अग्रवाल ने थाने में परिवारवाद देकर श्याम रंगीला पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर डाली। अखबार के मुताबिक श्याम रंगीला ने वीडियो श्री गंगानगर शहर में हनुमानगढ़ी रोड स्थित एक प्राइवेट तेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर शूट किया था। प्राइवेट तेल कंपनी के दबाव में आकर पंप संचालक ने श्याम रंगीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कंपनी ने पंप संचालक से ये भी कहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पंप की पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक दी जाएगी। वहीं कॉमेडियन श्याम रंगीला ने मामले पर कहा कि वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि वीडियो से अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने दायर परिवादवाद पर कहा कि मैं श्रीगंगानगर में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर वीडियो बनाया था ताकि सरकार कुछ राहत दे। परिवादवाद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जरूर इस पर कुछ सोचा जाएगा। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल का उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्री गंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है, और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए,
आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। Envy News, the day of positivity.